समाचार संकलन के दौरान विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आए दिन पत्रकारों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर आईरा जिला शाखा की बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित नगर भवन टाउन हॉल में ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन आईरा की बैठक मुख्य संरक्षक प्रदीप कुमार झा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पिछले दिनों संवाद संकलन हेतु विभिन्न कार्यालयों में किए गए संवाददाता और छायाकारों के साथ दुर्व्यवहार और अशोभनीय व्यवहार पर चर्चा की गई। वहीं 5 मार्च को आयरा के स्थापना दिवस मौके पर आयोजित होने वाले प्रांतीय सम्मेलन की भी चर्चा की गई। इसके लिए एक आयोजन समिति का गठन भी किया गया, जिसमें आयरा के पदाधिकारी के अलावे सभी समाचार पत्रों के कार्यालय प्रभारी राकेश रंजन, चंदन कुमार, चंद्रमणि कुमार आदि को शामिल किया गया है। आयरा की बैठक में सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि संवाददाताओं को से आत्मीय सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना भारतीय लोकतंत्र की परंपरा रही है, जिसे अब कतिपय संस्था या व्यक्ति या पदाधिकारी भूल रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की प्राचार्य एवं अधीक्षक से आयरा का एक शिष्टमंडल मिलेगी। शिष्टमंडल सभी अधिकारियों को मांग पत्र सौंपेगी, जिसमें समाचार संकलन में आने वाली कठिनाई को दूर करने की बात कही जाएगी। जिन कार्यक्रमों में पत्रकारों को आमंत्रण किया जाएगा, उसमें वह उन्हें सम्मान पूर्वक समाचार संकलन का मौका दें। जिस सरकारी कार्यक्रम अथवा बैठक में पत्रकारों की उपस्थिति नहीं हो सकती है, उसके लिए संबंधित कार्यालय के PRO अथवा संबंधित अधिकारी बैठक कार्यक्रम के पश्चात जानकारी उपलब्ध करा दें। मौके पर जिलाधिकारी मुरारी कुमार सिंह, उपाध्यक्ष शंकर कुमार, मुख्य संरक्षक प्रदीप कुमार झा, संरक्षक धर्मेंद्र भारद्वाज, सुभाष सुमन, चंदन कुमार, बंटी कुमार सिंह, लालेंद्र कुमार, सुभाष कुमार, संजीव कुमार आदि दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। बिहार मधेपुरा से आरजू अंसारी के साथ जेजे न्यूज़ की रिपोर्ट।